so many cars. Oh, they have my dadi. BDP. Kabir Singh. Hello and welcome back to my channel. This is Simran Shah here. So, today you will see the khandar behind. इधर उधर कुछ अलग अलग दिख रहा होगा तो आज मैं आई हूँ हमारे गांव जहाँ हमारे गांव में हमारा घर है वहाँ पे तो आज मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करूँगी गांव तो नहीं दिखा पाऊँगी आज लेकिन अपना घर दिखाऊँगी और घर के आसपास क्या चीज़ें वो दिखाऊँगी और आज हम क्या करेंगे घर पर वो दिखाऊँगी तो ये है हमारा ओबरा ओबरा होता है जहाँ गाय वगैरह को रखते हैं मतलब सबको पता होगा लेकिन कई दोस्त होंगे मेरे जिनको पता नहीं होगा तो ये हमारा ओबरा था मतलब जब हमारे पास गाय थी मतलब अब दादी से काम नहीं होता इसलिए ओबरा बंद है यहाँ पे गाय को बांधा करते थे तो अब ये हमारा वैसे उसमें रखा तो कुछ नहीं होगा शायद लकड़ियाँ लुकड़ियाँ रखी होगी अगर इसमें होगा कुछ तो कई तरह आजकल यहाँ पे इतना घास हुआ हुआ है इतना सारा घास क्योंकि बरसात है ना तो हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है और जिस वजह से सांप या फिर कोई बिच्छू नहीं चुप रहा कोई सांप या फिर कोई ऐसे ऐसे कीड़ों का बहुत डर रहता है आज मैं आपको थोड़ा सा ही थोड़ी सी जगहें दिखाऊंगी मतलब जो मेन मेन सी चीज़ें हैं यहाँ पे वो ही दिखाऊंगी देखो रास्ता कितना ड्रामा है ये है घर हमारा गांव कहाँ पे है हमारा गांव राजगढ़ में ही आता है वैसे देखा जाए तो लेकिन जो जगह का नाम है वो है कोट ढंगर जो टिक्कर रोड साइड है वहां से वो रास्ता जाता है और हमारे मक्की के थोड़े छोटे छोटे से खेत है मक्कियाँ लगी हुई है देख सकते हो आप और अभी हम मक्की खाएंगे भी और यह है केले का पेड़ जिसमें कि केले लगते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे और इतने बड़े बड़े से बहुत सुंदर केले हैं केले में ऐसे लगता है दो दो केले यहाँ पे भी मक्कियाँ हैं बहुत घास फूस है ऐसा पता ही नहीं लग रहा होगा कि क्या है और ये है लगा हुआ है बैंगन यहाँ पे बैंगन मिर्च यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मिलेगी यहाँ पे भी मक्की का पौधा है ये काय का पेड़ होता होगा जिस जिस को पता है ना ये कौन सा पेड़ है मेरे को बता देना कमेंट पे वैसे मेरे को याद था मैं भूल गई यहाँ पे पुदीना है जिससे चटनी बनती है और ये है कद्दू का है ना ये पेड़ कद्दू का पेड़ ये भी ये है टाइगर के लिए और ये है मेरी दादी बीड़ी पीते कबीर सिंह दादी हेलो तो बोलो हेलो बोलो हेलो मेरे दोस्तों को हेलो बोलो और क्या तेरे दोस्तों को बुआ भी है इसमें दोस्त जल्दी बोलो बोलो हेलो बोलो जल्दी बोलो सच में बोलो बुआ भी है पापा भी है देखो देखा ये दिया था हमको दादी ने साग चखने के लिए ये है आम का पेड़ ये वाला लेकिन अब इसमें आम नहीं लगते कहाँ लगते हैं आम पता है साने कुछ हाँ, ऊपर लगते हैं भी एक आम का पेड़ खेत और ये अमरूद का पेड़ और परे भी एक अमरूद का पेड़ ये भी अमरूद का पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा अमरूद है बहुत ज्यादा यहाँ रोजेस और पपीते का पेड़ भी है यहाँ पे बहुत सारी मक्कियां हैं बहुत सारी मक्कियां लेकिन अब यहाँ से आगे मैं जाना नहीं चाह रही
मैं डर रही हूँ बहुत ज्यादा. सो मेनी घास. छोटे छोटे अमरूद है अभी वहाँ है ना. और ये है आम का पेड़ यहाँ पे. ये आम का नहीं, ये अमरूद के है. ओ मैडम जी, आम का ही है, अमरूद का वो है, वो भी है. ये आम का पेड़ है, ये वाला ठीक है. और ये है अमरूद का पेड़. और वाली साइड जब भी यहाँ गांव आते हैं तो यहाँ पे मतलब कोई ना कोई सीजन में कुछ ना कुछ फ्रूट पक्का ही लगा होता है. मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही है. इससे आगे मैं जा सकती हूँ. देखो छोटे छोटे अमरूद है पिद्दू पिद्दू से. इससे आगे तो रास्ता ही बंद है भाई. चलो वापिस घर. जी हाँ, आप नीचे देख सकते हैं ये सारा का सारा फ्लोर है, लेकिन यहाँ से कभी कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है क्योंकि घास ही घास है. इसलिए कभी और जब ये सब घास हरियाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे नीचे मैं भी जा नहीं सकती. मेरे को घास को चलना चलने से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वहाँ कीड़े कूड़े हो सकते हैं. ठीक है, ये हमारी लकड़ी स्टोर है, यहाँ लकड़ियाँ रहती है. मक्की को डिलीशियस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है नींबू और नमक, है ना. हरी हरी मिर्ची मैं जब भी गांव आती हूँ ना, मैं हमेशा एलोवेरा तो ले ही जाती हूँ क्योंकि ये बालों के लिए भी अच्छा था, फेस के लिए तो ऑब्वियसली. यहाँ पे ना बहुत सारे रोजेज लगते हैं यहाँ पे, और एक प्लांट वहाँ पे है रेड सा, लेकिन अभी बारिश की वजह से ना सारे झड़ गए. सुंदर सुंदर से रोजेस. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. आई नो ये बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो है क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही दिखाने को है. तो कभी किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी, पूरा गांव तक क्या मतलब आसपास के एरिया दिखाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग. अभी अंधेरा है इसलिए मैं कैमरा फेस की साइड नहीं कर रही हूँ, इसलिए बाय.